मर्डर केस प्यार शब्द ही खासकर युवाओं को रोमांच से भर देता है, लेकिन इसी प्यार पर जब नफरत भारी पड़ती है तो रिश्तों के साथ मनुष्यता का भी कत्ल हो जाता है। फूड ब्लॉगर आफताब अमीन पूनावाला की नफरत का शिकार हुई श्रद्धा वकार अब दुनिया से जा चुकी है, और आरोप साबित हुआ तो प्रेमी आफताब को अधिकतम फांसी तो कम से कम उम्र कैद की सजा मिलना तय है। हम इस स्टोरी में 22 पॉइंट्स में बता रहे हैं कि कैसे एक लव स्टोरी कुछ सालों के बाद हेट स्टोरी में तब्दील हो गई और इसका अंजाम मुंबई की श्रद्धा वकार की दर्दनाक मौत के रूप में सामने आया। अंजाम भी ऐसा कि आफताब ने श्रद्धा को न केवल बेरहमी से मारा बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगल में कई रातों तक फेंकता रहा। इस स्टोरी को हम 20 पवाइटों में बताने जा रहे हैं। एक, जिसे कंधों पर बिठाया उसी बेटी की अर्थी भी ना उठा सका पिता। 18 मई 2022 को श्रद्धा की उसके प्रेमी आफताब ने दिल्ली के छतरपुर स्थित किराए के घर में गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव के 35 टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया और एक एक कर एक पखवाड़े के दौरान मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। वहीं पिता विकास वाकर ने कभी सोचा भी ना था कि जिस बेटी श्रद्धा को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाया, बाहों में झुलाया और अपनी गोदी में उठाया, उसका अंत इतना खौफनाक होगा। उसी बेटी श्रद्धा की मौत के बाद उसे कंधा देना भी नसीब ना होगा। दो, मुंबई में आफताब और श्रद्धा की हुई मुलाकात और प्यार हो गया करीब 3 साल पहले, यानी वर्ष 2019 की बात है। श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में काम करती थी और पिता परिवार के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते थे। मुंबई में बतौर कॉल सेंटर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फूड ब्लॉगर आफताब अमीन पूनावाला से हुई। मुलाकात का सिलसिला दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। दोनों में एक दूसरे से प्यार कर बैठे। तीन, बॉयफ्रेंड से प्यार ने बढ़ा दी परिवार से दूरी। वर्ष 2019 में श्रद्धा और आफताब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे कि उन्होंने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। वहीं श्रद्धा ने प्रेमी आफताब का जिक्र परिवार में किया तो पिता विकास वकार और उनकी पत्नी ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। यहीं से परिवार से श्रद्धा की दूरी बढ़ गई। तल्खी इस कदर कि पिता पुत्री एक दूसरे से फोन पर भी बात करने से कतराने लगे। चार, पिता के दिल को लगी श्रद्धा की बात। श्रद्धा के दिलो दिमाग पर आफताब के प्यार का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। आफताब पर श्रद्धा इस कदर फिदा थी कि उसे खामियां नजर ही नहीं आ रही थी। मुंबई में ही श्रद्धा ने माता पिता से मुलाकात की और वर्ष 2019 में बताया था कि वो आफताब के साथ रिश्ते में है। वहीं पिता वकार ने आफताब के मुस्लिम होने का तर्क देते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया। इस पर श्रद्धा ने पिता के मुंह पर कह दिया कि वो 25 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और वो मुंबई में ही आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी। पिता के साथ बेटी के रिश्ते खराब हो गए, बोल चाल तक बंद हो गई। पाँच, बेटी ने तोड़ा था रिश्ता पर पिता जुड़े थे दिल से। पिता से रिश्ता तोड़ने वाली श्रद्धा ने आखिरकार आफताब से शादी करने का निर्णय किया। शुरू में आफताब राजी था, लेकिन श्रद्धा जब भी शादी की बात करती तो वह टाल देता। वहीं पिता विकास वकार सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए श्रद्धा के बारे में जानकारी हासिल करते रहे। दरअसल पिता बेटी श्रद्धा का भला चाहते थे और वह चाहते थे कि श्रद्धा जहां भी और जिसके साथ रहे हमेशा खुश रहे। छह, श्रद्धा की पिटाई करता था आफताब। आफताब और श्रद्धा पहले मुंबई के नया गांव और बाद में वसई में रहने लगे थे। वहीं श्रद्धा की मां की मौत हुई तो 2020 में वह पिता विकास वकार से मिली। इस दौरान उसने बताया था कि आफताब ने उसकी पिटाई की है। इस पर पिता ने बेटी श्रद्धा को घर रुकने को ही कहा था। श्रद्धा के पिता का कहना है कि अपनी हरकत के लिए आफताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और फिर दोनों साथ रहने लगे। साथ आफताब की वजह से पिता पुत्री के बीच बड़ी दूरी। मिली जानकारी के मुताबिक आफताब स्वभाव से ही गुस्सैल है। पिता और पुत्री के बीच की दूरी भी आफताब की वजह से बढ़ी। इस बीच श्रद्धा और आफताब मई 2022 में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और फिर पिता ने भी बेटी से बातचीत बंद कर दी। जानकारी मिली है कि दोनों ही परिवार
श्रद्धा और आफताब की शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में कभी कभार आफताब इसके लिए श्रद्धा के परिवार के लोगों को भी दोष देता था। 8. क्लासमेट लक्ष्मण देता था श्रद्धा के बारे में जानकारी। श्रद्धा ने आफताब के साथ दिल्ली शिफ्ट होने की बात अपने क्लासमेट लक्ष्मण को बताई थी। श्रद्धा के पिता लक्ष्मण के संपर्क में थे, इसलिए बेटी के बारे में जानकारी मिल जाती थी। इसके अलावा श्रद्धा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती थी, जिससे उसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। पिता लगातार बेटी श्रद्धा के बारे में जानकारी अथवा अपडेट सोशल मीडिया से ही लेते थे। 9. पिता विकास वकार और श्रद्धा के बीच हर तरह से दूरी बढ़ गई थी। दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत बंद थी। इस बीच 18 मई 2022 को दिल्ली के मेहरौली इलाके के छतरपुर में आफताब ने श्रद्धा का घर में कत्ल कर दिया। हैरत की बात यह है कि कत्ल करने के बाद चालाकी दिखाते हुए आफताब ने सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया कि वह श्रद्धा के साथ है और बेहद खुश है। ऐसे में शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। 10. सितंबर में बंद हो गया फोन उठना उधर। बेटी श्रद्धा की हत्या से अनजान पिता विकास वकार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए थे, जहां पर खुद आफताब इस तरह जाहिर करता था कि श्रद्धा उसके साथ है। इस बीच सितंबर में अचानक ही श्रद्धा ने फोन उठाना बंद कर दिया। इससे परेशान पिता वकार ने बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। 11. परेशान पिता करते रहे संपर्क। सितंबर महीने में श्रद्धा की एक सहेली ने पिता विकास वकार को बताया कि पिछले 2.5 महीने से श्रद्धा से उसका कोई संपर्क नहीं है। सहेली ने ही पिता को जानकारी दी कि श्रद्धा का मोबाइल फोन नंबर भी काफी समय से बंद है। इस पर उसके परिवार ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक किया और इस दौरान कोई जानकारी नहीं मिल सकी। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अपडेट होना बंद हो गया था। 12. 8 नवंबर दिल्ली के मेहरौली थाने में दी शिकायत। परेशान पिता विकास वाकर ने बेटी श्रद्धा को लेकर मुंबई पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच के दौरान श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली और इसी के आधार पर मामला दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण दिल्ली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। 13. 12 नवंबर को टूट पड़ा सामान। दिल्ली पुलिस ने जांच की कड़ी में आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट जांचने के दौरान ही पूरी जानकारी हासिल की। इसके साथ ही मोबाइल फोन भी सर्विलांस पर लगाया। शक होने पर दिल्ली पुलिस ने छतरपुर पहाड़ी इलाके में किराए के मकान में रह रहे आफताब का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। 14. शव ठिकाने लगाने के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को अपनी बेटी के आफताब के साथ संबंधों के बारे में बताया था। जांच के दौरान पता चला कि आफताब और श्रद्धा दिल्ली आ गए थे। हिरासत में लेने के दौरान आफताब से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आफताब ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि 18 मई को हत्या के बाद उसने श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े किए। इसके बाद रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें पॉलिथीन में शरीर के टुकड़े रखे। 15. शादी के लिए करती थी जिद, इसलिए मार डाला। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए हमेशा दबाव बनाती थी। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, इसलिए श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला। इसके बाद आरोपित आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मेहरौली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 कोष्ठक किए गए अपराध के साक्ष्य को गायब करना के तहत मामला दर्ज किया। इसके साथ ही जांच में तेजी आई। 16. पहले मारा फिर किए 35 टुकड़े। पुलिस पूछताछ में आफताब ने बताया कि 18 मई को गुस्से में उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर शरीर के 35 टुकड़े किए। सबूत छिपाने के क्रम में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें शव के टुकड़े रख दिए। 17. श्रद्धा चिल्ला रही थी और सीने पर बैठ आफताब ने दबा दिया। एडिशनल DCP साउथ दिल्ली अंकित चौहान ने कहा कि श्रद्धा वाकर लड़ाई के दौरान चिल्ला रही थी और आफताब पुनावाला ने उसका गला दबाकर और उसे दबोचकर चुप कराने की कोशिश की। इसी झगड़े के दौरान श्रद्धा की मौत हो गई। इसके बाद शव के टुकड़े एक पखवाड़े तक आफताब रात को 2 बजे के आसपास मेहरौली के जंगल में
फेंकने जाता था। 18 हत्या के बाद दिखाई चालाकी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद जानकारों के सामने यह जाहिर करने की कोशिश की वह और श्रद्धा एक साथ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार शक न हो इसलिए 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज किया। इसका मतलब यह था कि वह और श्रद्धा साथ हैं। पुलिस पूछताछ जाफताब ने बताया कि 10 मई को गुस्से में उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर शरीर के 35 टुकड़े किए। सबूत छिपाने के क्रम में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें शव के टुकड़े रख दिए। 19 श्रद्धा चिल्ला रही थी और सीने पर बैठ आफताब ने दबा दिया गला। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद जानकारों के सामने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वह और श्रद्धा एक साथ हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार शक न हो इसलिए 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज किया। इसका मतलब यह था कि वह और श्रद्धा साथ हैं। उसने उसके क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान भी किया ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते पर संपर्क न करें। 20 कंकाल के अंश बरामद। दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस कड़ी में आफताब को मंगलवार को मेहरौली के जंगल में ले जाया गया जहां पर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। वहीं किराए के फ्लैट से कुछ हड्डियां भी बरामद की हैं। जांच को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि शरीर के बाकी हिस्सों को बरामद करने के प्रयास जारी हैं। संभवतया बुधवार को भी उसे मेहरौली के जंगल में फिर से ले जाया जाएगा। 21 रिश्तों में आई खटास तो नफरत करने लगा। आफताब और श्रद्धा एक दूसरे पर शक करते थे। दोनों को एक दूसरे पर धोखा देने और झूठ बोलने का शक था। जांच में यह भी सामने आया है कि एक दूसरे को वीडियो कॉल के दौरान जीपीएस लोकेशन और अपने आसपास की तस्वीरें मांगते थे। 22 रिश्ता सुधारने की हुई थी कोशिश। अप्रैल 2022 में श्रद्धा और आफताब मुंबई से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घूमे ताकि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हो सकें। इसके बाद दिल्ली में शिफ्ट होने का फैसला किया। इस कड़ी में मेहरौली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में 15 मई को किराए पर एक कमरे का फ्लैट लिया। इसके 3 दिन बाद 18 मई को आफताब ने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल कर दिया। यह भी जाने श्रद्धा की हत्या के 20 दिन के भीतर आफताब ने बंबल ऐप के जरिए एक अन्य लड़की से दोस्ती की और उस लड़की को 2 बार अपने कमरे पर लाया था। इस दौरान श्रद्धा के शव के टुकड़े घर में रखे रेफ्रिजरेटर में थे। उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड जून जुलाई में 2 बार उसके घर आई थी। आफताब ने 18 मई को श्रद्धा वाकर के शव को टुकड़े बाथरूम में किए। इसके बाद फ्रिज किचन में छिपा दिया। प्रेमिका का कत्ल करने के बाद आफताब ने शव के 35 टुकड़े किए थे। इसके कुछ समय बाद आफताब गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा। इसके साथ ही उसने डेटिंग ऐप को फिर से इंस्टॉल भी किया था नाको टेस्ट, जिससे खुलेंगे आफताब के सीने में दफन श्रद्धा वॉकर की हत्या से जुड़े राज। दोस्तों, जो होना था वो तो हो चुका। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें शादी विवाह जैसे बड़े फैसले अपने माता पिता के अनुसार करने चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताना और हमारे हनु एसजी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।